बात करेंगे काला ढूंगी की, जहां पर भोलेनाथ गार्डन में प्रशासन की कार्रवाई को दरकिनार करते हुए लेंटर डाला जा रहा था, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट ने काम रुकवा दिया है। दरअसल जिला अधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने जेई अंकित बोरा को भेजकर रात को काला ढूंगी रोड भोलेनाथ गार्डन में हरीश जोशी द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण कार्य पर रोक लगाकर चालानी कार्रवाई करवाई थी और काम को रुकवा दिया था। फिर सुबह एक बार अवैध निर्माण कार्य चालू हो गया और लेंटर डालने की तैयारी की जाने लगी। सूचना मिलते ही सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह भी मौके पर पहुंची और काम को रुकवाया। अग्रिम कार्रवाई करते हुए उन्होंने सख्त कार्रवाई करने की कड़ी चेतावनी दी है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं 2014 से केस सचिव प्राधिकरण महोदय के यहाँ गतिमान है, जो नीचे दुकानें बनी है इसका, और इसी केस चलती हुई नजूल भूमि पर इनके द्वारा ऊपर निर्माण किया जा रहा है, जिसको कई बार रोका जा चुका है। क्योंकि ऊपर आवासीय था, इस वजह से उसे सील नहीं किया गया था, इसे कई बार रोका गया है और इन्होंने लिखित में भी दिया है कि हाँ ये काम नहीं करेंगे, लेकिन रात से इन्होंने फिर यहाँ काम स्टार्ट किया। रात में भी चौकी प्रभारी और जो संबंधित जेई था उसने मौके पर आके काम रुकवाया है, लेकिन सुबह इन्होंने फिर यहाँ पर लेंटर डालने की कोशिश की है, जिसके कारण मैं स्वयं मौके पर आई हूँ। और किसी भी दशा में जो भी कानून है उसको इनको हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, इसमें मैं अपनी अग्रिम कार्रवाई कर रही हूँ। और निश्चित ही अगर इन्होंने दोबारा इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन हमारे कार्य रोकने के बाद किया तो मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा।